जैसा कि फ्रेंड मैंने कल एक वीडियो बना करके डाला था जिसमें बताया था कि केंद्र ने डिसाइड कर दिया है 30 जून तक कोई भी बोर्ड है वो एग्जाम नहीं लेगा। तो फ्रेंड आज के आर्टिकल में यहाँ पर न्यूज़ में भी आ चुका है माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा अब जुलाई में कराना लगभग संभव दिख रहा है। यहाँ पर हम जो इंद्र सिंह परमार शिक्षा मंत्री देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा जुलाई में होगी। यह परीक्षा मुख्य 3 विषयों की होगी। जैसा कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं कल यूपी बोर्ड ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जुलाई में परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा ली जाने की घोषणा की है जिसमें कि 1.5 घंटे का रहेगा। जिसको देखते हुए यहाँ पर एमपी बोर्ड ने डिसीजन लगभग ले लिया है, एमपी बोर्ड भी अब आपकी सिर्फ 3 विषयों की ही परीक्षा लेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है 1.5 घंटों की परीक्षा नहीं होगी, पूरे 3 घंटे की रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर इंद्र सिंह परमार ने बताया है इसकी तैयारी चल रही है, जबकि अन्य 2 विषयों के नंबर 3 विषयों की परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे, परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर बताया है मंडल ने परीक्षा से लेकर रिजल्ट घोषित करने का 2.5 महीने का शेड्यूल है वो तैयार कर लिया है। हालांकि परीक्षा को लेकर जून के पहले सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा की तारीख वो घोषित की जाएगी। और फ्रेंड बात करूँ 12वीं की परीक्षा को लेकर तो मंडल ने प्रस्ताव वो तैयार कर लिया है। हालांकि अभी हाल में केंद्र के साथ हुई बैठक में मध्य प्रदेश बोर्ड में CBSE की तर्ज पर पेपर लेने के लिए कहा गया था, जिसे स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री जो इंद्र सिंह परमार है उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तैयारी पूरी कर ली गई है, अगर हम ऐसा करेंगे CBSE की तर्ज पर परीक्षा लेंगे तो फिर से हमें पेपर बनवाने पड़ेंगे जिसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड इस साल करीब 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न है तैयार हो चुका है, आपके 3 पेपर होंगे और जुलाई के 1st वीक या 2nd वीक में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और परीक्षाएँ आपकी ऑफलाइन ही होंगी, 1.5 घंटे का कोई पेपर नहीं होगा। अगर आपको किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो ऐप यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन शानदार फीचर लेकर के आ चुका है, जिसमें टीचर जो IITian है एम्स के डॉक्टर हैं वो लाइव में आकर के आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा करके फ्लो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन का फोटो खींचकर या क्वेश्चन को टाइप करके दोनों तरीके से अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन का फोटो खींच लेता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, उसका सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव में आकर के टीचर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे बेहतरीन बात है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्लो ऐप को डाउनलोड कीजिए। पेपर आपके 3 घंटे के ही होने वाले हैं, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।